हम ट्रेनिंग करवाते कि उनको क्या साफ सफाई के बारे में पता है। होता क्या ना, हम सब किचन में काम करते हैं, अब आपको पता है आपके घर पे भी कोई आके खाना बनाता होगा या आप अपने कुक्स को भी देखते होते हैं, तो वो उनका ये एरिया होता है। उन्होंने एक बार सुबह हाथ धोए, फिर सारे दिन में पता नहीं कितनी बार हाथ धोए नहीं धोए, उनको लगता है कि हम ये संभाल रहे हैं, हमें पता है, हमने जैसे बनाया है कोई नहीं बीमार होगा। लेकिन अगर मक्खी आ रही है वो बैठ जाती है, हवा चली कुछ दूर मिट्टी आ रही है, ये जो छोटी छोटी साफ सफाई जो बातें होती है हमें ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली गर्मी के दिनों में या बारिशों के दिनों में जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है उसको अगर रख लेते हैं, कोई मांस मच्छी या चिकन को रख लेते हैं और उसको सामने रखते हैं, तो फिर हमारा जो खाना है वो खराब होने की उसमें चांसेस हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो खाना है उसको किस तरह से संभाल के रखें। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है उसको हम फर्स्ट स्टार ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, एक हाइजीन रेटिंग का हमारा प्रोग्राम होता है। हाइजीन रेटिंग में हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने ही किचन में जाएं जो आपके होटल या रेस्टोरेंट में है, और एक चेकलिस्ट है हमारे पास, उस चेकलिस्ट में कम से कम 20-25 बातें हैं। आप वो 20-25 बातों को देखिए, टिक मार्क करिए, आपको उसमें कोई कमी लगी तो अपने से ही पहले वो जो आपको चीजें कम लग रही थी या जो आपको लगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो ये नहीं है, उसको पहले पूरा कर दीजिए। उसको पहले ये देख लीजिए कि वो जो सारी बातें हैं हमने उसको कर ली है कि नहीं। अपने यहाँ पर जो लोग हैं जो मैंने बताया उनकी फर्स्ट टैक ट्रेनिंग कर लीजिए। फर्स्ट टैक ट्रेनिंग करने से उनको ट्रेनिंग मिल जाती है कि हमने साफ सफाई कैसे रखनी है, खाना जो है बना के रखना है, या जो मैंने आपको बातें बताई। उसके बाद आप एक हमारे ही प्रोग्राम जो हमारा ही फूड कमिश्नर का ऑफिस है, वो लोग एक फाइनल ऑडिट करवाते हैं। जब ये फाइनल ऑडिट हो जाती है तो आपको हाइजीन रेटिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट को आप डिस्प्ले करिए, आपके यहाँ जो भी लोग आएंगे उनको पता चलेगा कि आपके यहाँ जो चीजें मिलती हैं वो एक लेवल की है, एक स्टैंडर्ड की है। जो रेस्टोरेंट्स हमारे हैं उसमें मेन्यू के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। अब ये तो खाने वाले को देखना है कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब हम आते हैं ऐसे नहीं होता है। आपको मैं बताती हूँ, कॉन्शियसनेस आप चाहे लिख देंगे, हम लोग क्या होता है कभी कभी कोई ऐसी डिश बना देते हैं जिसमें अगर किसी को एलर्जी होगी, मान लीजिए लैक्टोज की, दूध की, तो अगर उसमें इतना सा भी दूध पड़ जाता है, मलाई पड़ जाती है, वो बंदा बीमार हो जाता है। तो मेन्यू लेबलिंग में जब हम आपको कहते हैं कि आप जो आपके इंग्रीडियंट है उसको डिक्लेयर करिए, वही तो हो जाता है ना कि एलर्जन जो आप उसको डिक्लेयर करेंगे कि एलर्जन क्या है। जिनकी लेसेंस हमको ये करना पड़ता है मॉडिफिकेशन के लिए, उसमें आपने बार दिन का 100 रुपया रखा है। ये अगर आपको अपना लाइसेंस मॉडिफाई करना है तो आपको वन टाइम पेमेंट 1000 रुपए का करना है, ठीक है, उसमें कोई लेट फीस नहीं होता। अब अगर आपको, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपको अपना एनुअल रिटर्न भरना है 31 मई तक, अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो आपका 100 रुपए लेट फीस होता है। अब हमने उसको ये किया है अगले साल से कि अगर आपने नहीं भरा है तो जो आपका लाइसेंस फी होता है उसका आपका लेट फी 5 गुना ही होगा। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पहले 100 रुपए इंडेफिनेट होता था, मतलब अगर आपने 6 महीने नहीं भरा है तो 100 रुपए पर दिन 6 महीने चलेगा। अब मान लीजिए आपका जो है लाइसेंस 5000 रुपए का है तो 5 टाइम्स कितना हुआ, 25,000, तो लेट फीस आपको टोटल कितना जमा करना है, 25,000, ठीक है मैम। और एक और क्वेश्चन, जो भी हम रूल्स होते हैं ना उनके लिए अगर आप ना एडवांस में या रूल के बाद ही हमारे साथ डिस्कस करते कि रूल्स आए हैं, ऐसे हमको पता ही नहीं चलता ये रूल्स कब आए और कब इम्प्लीमेंट। आप बताया ना, वन इज टू सेग्रीगेट ऑल दीज आइटम्स, योर फूड इज सेफ इवन इन द चेन आल्सो, सेग्रीगेशन, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। फूड एसिड, अल्कलिनिटी, टाइम, टेम्परेचर, ऑक्सीजन and moisture. Once you relate all these things, the storage is very less. Hope I have answered. You have got the answer. हमने hygienic rating के बारे में बताया था, food supervisors के बारे में, तो मैं आपको assure करूँ कि हमारी बेकर्स रजिस्ट्रेशन तीनों लेवल कर चुकी है, जिसने भी हमारे जो हमारे food supervisor ट्रेनिंग थी, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है जिसके जिम्मेदार हमारे शकील रहमान साहब है, इनकी
सरबराही में हमारे अभी पीछे लास्ट ईयर शायद 38 हाइजीनिक रेटिंग हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 24 हमारे बेकर्स की थे। तो ये पूरा डिपार्टमेंट के तालमेल से और इनके ताबू से, क्योंकि हमें टाइम पे टाइम हमें आगाह कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपका और जो पूरी यहाँ की टीम है, शकील रहमान साहब हमारे कमिश्नर साहब है, और आपका अमिश्रा शर्मा जी और आपकी जो पूरी टीम है, उनका तो कश्मीर में आपका हार्दिक स्वागत है और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आ रहे हैं कि हमने नई चीजें नई कानून से हमें रोक रखा। थैंक यू। मैडम ने भी बात की कि आपने हाइजीन रेटिंग दवाई को बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपका अपना एम्प्लॉई है जिसको आप खाना सर्व करते हैं, वही रहते भी होंगे कई लोग, तो मैं चाहूंगा बेकर्स एसोसिएशन और होटेलियर्स एसोसिएशन पर हम बैठे, ये आइडेंटिफाई करें अगले 15 दिन में कम से कम आपके ये यूनिट्स, ये जो सेपरेट किचन है इसको हम ई ट्राइब कैंपस डिक्लेयर करें। हाइजीन रेटिंग में अगर आपके पास मान लीजिए 5 स्टार आ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि 2 साल के लिए फिर हम आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास हाइजीन रेटिंग का सर्टिफिकेट है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, हम लोगों ने ही एक इनिशिएटिव निकाला है कि हम ही नहीं चाहते हैं कि हमारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो आपके यहाँ बार बार आए इंस्पेक्शन करे। एक्चुअली 2020 में जब कोविड हुआ, luckily I was having my daughter और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, B.Tech में गोल्ड मेडलिस्ट, M.Tech गोल्ड मेडलिस्ट, she supported me, उसने वो न्यूट्रिशन ऐड किया, खरबूज सीड्स और स्पाइसेस और बनाया वो बिस्किट। तो कोविड के दौरान फिर हमको डिफरेंट वो रिएक्शन मिले, कोई कह रहा है झूठ है, कोई कह रहा है सच है, लेकिन हम नहीं बैठे। तो 2021 में हमने बैर फैट जो ट्रांस फैट एसिड है वो हमने अपनी धरती से बाहर निकाला। एंड दिस ईयर बड़े हरफा मिस्टर यामी नबी सर एंड विजय अरोड़ा फ्रॉम दिल्ली फोर्टिफिकेशन एडवाइजर फ्रॉम दिल्ली, वो सर हमारे घर आए, दे एडवाइज्ड अस टू मेक ब्रेड। अगर ब्रेड बनाएंगे इसको सोसाइटी से फायदा है, तो हमने ब्रेड बनाई, फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। Now he has worked on an R&D because his daughter is a gold medalist. She's a food technologist and they have succeeded. देखिए पिछले 2 साल से जो हमारा डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी, इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, आपको इसके बारे में पता होगा। तो हमने भी इसमें एज ए होटल एसोसिएशन पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है अच्छा खाना। ये मेरे बच्चों के लिए मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, आवाम को भी है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिनको मद्देनजर रख के उसमें काम करना है। पिछले 3 साल से तो काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि काम शुरू हुआ है, आज का प्रोग्राम भी उसकी एक कड़ी थी कि जो नए लॉज आ रहे हैं जिसमें खाने वाले को पता हो कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या न्यूट्रिशन है, किस चीज़ से एलर्जिक हो सकती है, ताकि लोग सेफ्टी मतलब सही तरीके से खाना अगर उनको चाहिए तो एक स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए। जो आज का प्रोग्राम था वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मुनक्कद किया था, जिसकी चीफ गेस्ट अनुका शर्मा जो डायरेक्टर ऑल इंडिया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज है, जहाँ पे जितने भी फूड ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो बेकर्स हो, चाहे वो होटलियर या रेस्टोरेंट हो, उनको अवेयरनेस डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन कर रहा है। आज एक नया कानून आया है कि जो होटलियर्स के लिए था, रेस्टोरेंट वालों के लिए, कि जो फूड आप कस्टमर को सर्व कर रहे हैं उस पर आपको बतानी है कि कौन सी चीज़ में एलर्जी है किससे और किस में कितनी कैलोरीज है। तो उसका भी मैडम ने बड़े विस्तार से समझाया कि 10 से जिसके ज़्यादा आउटलेट हो उस पर ये कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आज का प्रोग्राम यहाँ पे। डिपार्टमेंट ने हमेशा तआवुन किया है, जितने भी हमारे मसले मसाइल थे डिपार्टमेंट को लेके या उनके लॉज को लेके, डिपार्टमेंट ने हमेशा उनका अजाला किया है। हमारे इश्यूज आज भी थे कि एक नया कानून आया था कि जिसमें हमने ऑडिटर, वो उसमें एक फार्मूला था इनका कि वो हमें उसमें रिटर्न भरना था, तो उसके लिए हमारे बेकर्स, हम अभी उतनी जानकारी नहीं थी, तो मगर डिपार्टमेंट ने हमें उसके लिए एवर किया और एक अच्छी अनाउंसमेंट भी मैडम ने उसमें की कि उसमें एक रोज़ाना जुर्माना फ़ाइन लगता था उसको हटा के अब उसको उन्होंने वन टाइम कर दिया है। तो मगर इंशाल्लाह उम्मीद, हम यही कोशिश करेंगे कि हम जुर्माने तक न जाए, फ़ाइन तक न जाए,
उस कानून को हम अडॉप्ट करके उसको समझे और उसको जो डायरेक्टर मैडम आई थी या कमिश्नर साहब थे उन सब ने उनको आपको विस्तार से बताया लोगों को। तो हमारे जितने भी होटलियर्स और ये अपने बेकर एसोसिएशन वाले आए थे तो इनको थोड़ा सा अपडेट किया जो लेटेस्ट प्रोविजंस आए हैं फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के मुतालिक, जो रेसिपीज़ को उसके इंग्रेडिएंट्स उसकी क्लोरीफिक वैल्यू जैसे इंटरनेशनली बताई जाती हैं ऐसे हम भी उस इंटरनेशनल जो एक प्लेटफार्म है उस पर हम अपने फूड सेफ्टी को भी उसके मुकाबले पैरेलल में खड़ा करने के लिए ये एक कदम था। और इस कदम को डिपार्टमेंट के इस कदम को हमारे जो ट्रेडर्स जहाँ पे आए थे होटलियर्स और बेकर एसोसिएशन वाले इन्होंने बड़ा सराहा है। आज का प्रोग्राम यही था कि जो पैकेज फूड्स खाने के आइटम होते हैं उन पे लिखा होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कैलोरीज क्या है, एलर्जेंस क्या है, लेकिन जो मेनू होता है जो होटलों में सर्व किया जाता है वहाँ लिखा नहीं होता। अब ये मैंडेटरी बन गया है होटल वालों के लिए कि मेनू पे भी लिखे कि इसमें एलर्जेंस क्या है, कैलोरीज कितने हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। बस यही प्रोग्राम था, ये था होटलर्स के लिए। तो दूसरी बात ये हुई कि फूड फोर्टिफिकेशन के मुतालिक थी, तो फूड फोर्टिफिकेशन के मुतालिक वहाँ उन्होंने जो हमारी जो रिसेंटली हमने लॉन्च की हेलो फोर्टिफाइड ब्रेड, तो उसके मुतालिक भी बात हुई तो हमको सराहाया गया, तो उसके लिए मैं तमाम डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट को ये आवाम को बताना चाहिए कि प्लस ऐप लोग हो जहाँ भी हो वही आइटम खाने चाहें, क्योंकि मोर देन 70% इन इंडिया आर एनीमिक, इसलिए ज़रूरी है कि फोर्टिफाइड फूड ही हम इस्तेमाल करें।